खबरें मिल रही है। पुलिस सूत्रों के हवाले से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के माता पिता को धमकी मिली है, जहां आरोप यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से यह धमकी दी गई है। धमकी में कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेना छोड़ दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। देखिए सिद्धू मूसेवाला का जो अंजाम किया सो किया, अब देखिए कितने ये लोग जो है वो शातिर हैं और कितना इनका हौसला जो है वो बढ़ा हुआ है। ये किस तरीके से धमकी दे रहे हैं सिद्धू मूसेवाला के माता पिता को। इस वक्त हमारे साथ मनोज जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी मनोज। सिद्धू मूसेवाला का जो हर्ष किया, एक तरीके से एक धमकी दी जा रही है उनके माता पिता को कि नाम लेना छोड़ दो लॉरेंस बिश्नोई का, वरना तुम्हारा भी वही हर्ष करेंगे। बिल्कुल, ये धमकी दिखाता है कि जो गैंगस्टर है, खासकर लॉरेंस बिश्नोई हो या गोल्डी बराड़ हो, जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेवारी ली थी, पुलिस के इतने एफर्ट्स के बावजूद उनके अंदर कोई भय नहीं है पुलिस का, ना ही कोई खौफ है, और इसलिए अब वो उनके पिता को भी धमका रहे हैं। क्योंकि लगातार जो बलकौर सिंह है अपने बेटे की जो हत्या हुई थी उसके लिए न्याय की गुहार लगाते रहते हैं, लगातार जो इसके पीछे चाहे लॉरेंस बिश्नोई या दूसरे गैंगस्टर हो उन पर कार्रवाई करने की मांग करते रहते हैं। इसी से ये गैंगस्टर अब नाराज हैं और अब उनको ये तक धमकी दी जा रही है कि वो नाम लेना ही छोड़ दें या आरोप लगाना ही छोड़ दें, नहीं तो उनका हश्र भी वैसा ही किया जाएगा। बहरहाल जो पुलिस है वो इस मामले में जुटी है कि आखिर ये धमकी ईमेल के जरिए कहां से आई है, कौन है इसके पीछे, लेकिन सीधे तौर पर तार तो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ से इसके जुड़ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो मूसेवाला के माता पिता को किस तरीके से देखिए यहां पर धमकी मिली है, बताया जा रहा है ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। फिलहाल पुलिस जो है जांच करने में जुटी हुई है कि किसने ये ईमेल भेजा है, लेकिन देखिए यहां कितने हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं अपराधियों के कि वो खुले तौर पर धमकी दे रहे हैं। इतनी कार्रवाई हुई है लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के ऊपर, बावजूद इसके देखिए कि किस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं।